चलिए आज की क्लास में हम VC++ को स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि VC++ को हम स्टार्ट करते हैं। ये C++ का विजुअल वर्जन है और थोड़ा एडवांस है ये, क्लियर है। तो VC++ को स्टार्ट कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर में VC++ को अगर स्टार्ट करना है तो आपको विजुअल बेसिक का जो आपके पास पैकेज आता है विजुअल स्टूडियो का, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया विजुअल स्टूडियो का जो पैकेज है, इसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा VC++। आप देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 जो दिख रहा है, उसके बाद नीचे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ ये दिखाई देगा। इसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने विजुअल से रिलेटेड कोई और ऑप्शन यहाँ पर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यहाँ पर ऐड कर रखे हैं तो इस तरीके से कुछ कॉम्पेटिबिलिटी इशू देगा। कुल मिला के VC++ का जो एडिटर है वो विजुअल बेसिक के एडिटर से मैच खाता हुआ आपको दिखेगा और आप यहाँ पर विजुअल बेसिक के एडिटर को देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि VC++ जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट्स ओपन होते हैं। इसका IDE है, ये IDE दिख रहा है आपको यहाँ पर। इस IDE को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेन्यू बार है। इस IDE को समझ लेते हैं। ये आपका मेन्यू बार है, ये आपका टूल बार है, यहाँ पर आपके कुछ पेन्स आते हैं और यहाँ पर आपका कोड एडिटर विंडो आता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइल में जाके न्यू क्लिक करेंगे तो फाइल में न्यू क्लिक करने पर आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। असल में यहाँ पर VC++ जो बनता है इसमें प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं। तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट बनाते समय आपके पास कई सारे ऑप्शंस है, क्योंकि ये विजुअल इंटरफेस देता है हमको, तो कई सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं। तो आप कई प्रकार के जैसे डेटाबेस प्रोजेक्ट बना सकते हैं, MFC के एक्टिव एक्स बना सकते हैं, MFC का DLL बना सकते हैं, MFC एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो आपको अभी फिलहाल MFC एप्लीकेशन बनाना है यहाँ पर। तो आपके पास है MFC एप्लीकेशन विजार्ड या फिर MFC का 32 बिट एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद MFC का 32 बिट कंसोल एप्लीकेशन भी आप तैयार कर सकते हैं। ये 32 बिट कंसोल एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन है जो अभी तक आप C++ में बना रहे थे, जिसमें ब्लैक स्क्रीन पर आउटपुट आता है, क्लियर है। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि विजुअल C++ में हम कंसोल एप्लीकेशन कैसे तैयार करते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है अपना Program 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा प्रोग्राम का लोकेशन है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया डी ड्राइव, मैंने चेंज कर दिया है। मैं यहाँ पर एफ ड्राइव में वर्ड नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ या मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एफ ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम हम रखते हैं VC, मैंने रखा VC++, क्लियर। तो मैं यहाँ पर एफ ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया और VC++ यहाँ पर ले लिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Program 1 हुआ और ये लोकेशन हुआ। तो ये जो था हमारा विजुअल बेस VC++ का प्रोजेक्ट हमें तैयार करना होता है। तो आप ध्यान देंगे कि VC++ में हमें एक वर्क स्पेस मिलता है, वर्क स्पेस के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टी और एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती है, हायरार्की इस प्रकार से है। यानी एक वर्क स्पेस में मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे और एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स होंगी और वो फाइल कई प्रकार की हो सकती है। जैसे आप हेडर फाइल डिजाइन करना चाहते हैं, आप सोर्स फाइल, कर्सर की फाइल, HTML फाइल, कई प्रकार के फाइल्स यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ हेडर फाइल भी डिजाइन कर सकते हैं, खुद की हेडर फाइल। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार किया और ओके कर दिया इसको। ओके करते ही हमारा देखिए ये ऑप्शन आएगा जिसका नाम है विंडोज 32 कंसोल एप्लीकेशन Step 1। केवल एक सिंगल स्टेप है इसमें, हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे आउटपुट ऐसे ब्लैक स्क्रीन पे आता है या कमांड प्रॉम्प्ट पर आता है। ये सेम वही एप्लीकेशन है जो हम C++ में बनाते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर लिखा हुआ एक एम्प्टी प्रोजेक्ट, ए सिंपल एप्लीकेशन और एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन।
मैंने हेलो वर्ल्ड को सेलेक्ट किया और फिनिश किया, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन भी आएगी। और ओके करते ही देखिए यहाँ पर हमारा क्लास व्यू तैयार हो गया और ये फाइल व्यू है। अब देखेंगे कि हमारी फाइल्स यहाँ पर ऐसा दिखाई देती है। तो हमारे पास ग्लोबल में मेन फंक्शन, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरा कोड यहाँ पर एक कोड पहले से बना बनाया हमको दे दे रहा है, क्लियर है। तो ये कोड इसमें कर दिया। यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है वो वॉइड मेन ना होकर के इंट मेन होता है, क्योंकि ये जीयूआई है इसलिए जीयूआई का के लिए आर्गुमेंट यहाँ पर देना होता है, क्लियर है। तो एक ये कमांड लाइन आर्गुमेंट प्लस यहाँ पर इंट मेन लिखा है, वॉइड मेन करके रिटर्न हटा सकते हैं, और प्रिंट एफ यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो आपने यहाँ पर सी का कोड देखा, यहाँ पर आप सी प्लस प्लस का कोड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सी आउट भी कर सकते हैं। अब इसको रन कैसे करना होता है देखिएगा, ये आपका है क्लास व्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, क्लास व्यू और फाइल व्यू के बारे में बताइए। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि ये सोर्स फाइल है और ये आपकी हेडर फाइल है। देखिए हेडर फाइल जो इंक्लूड हुई है वो यहाँ पर आ गई है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। आपको पता है लोकेशन कहाँ पर है, नीचे देखिए यहाँ पर प्रोग्राम वन ये लोकेशन पर सेव हुआ है। रन कैसे कराना है, सेम यहाँ पर देखिए रन करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम या कंट्रोल F5, कंट्रोल प्लस F5 से कर सकते हैं, या फिर बिल्ट में जाएंगे तो एग्जीक्यूट दिखाई देगा। बिल्ट करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैं बिल्ट ऑल करता हूँ, जब बिल्ट करूंगा तो यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी इशू आ रहा है। नीचे देखेंगे यहाँ पर देखिए कंपाइल होने के बाद यहाँ पर जीरो एरर जीरो वार्निंग, यानी कि हमारा एरर चेकिंग हो गया। तो हम वहां पर एरर कैसे चेक करते थे या कंपाइल कैसे करते थे, कंट्रोल F9, यहाँ पर कैसे करते हैं बिल्ट में जाकर के इसमें करेंगे, या कंट्रोल F5 से होगा। तो यहाँ पर जो भी कंपाइलेशन हुआ, कंपाइलेशन के बाद देखिए फिर से कंपाइलेशन हुआ, हेडर फाइल का कंपाइलेशन हुआ, फिर प्रोग्राम का हुआ, फिर लिंकर हुआ, तो लोडर और लिंकर ने अपना काम किया और exe फाइल जनरेट की, प्रोग्राम वन डॉट exe फाइल। ये exe फाइल तभी जनरेट होगी जब आपका एरर और वार्निंग जीरो होगा। अब हम इसको रन करने के लिए तैयार हैं। देखिए मैंने इसको रन किया और रन करने के साथ साथ यहाँ पर क्या आया, देखिए आउटपुट में हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद यहाँ पर गेट सी एच नहीं होता है, क्योंकि गेट सी एच हम तब लिखेंगे जब, और क्लियर स्क्रीन भी नहीं होता है। तो आप यहाँ पर प्रेस एनी की अपने आप आता है, अपने आप गेट सी एच होता है। जैसे मैं यहाँ पर इसको मिटा करके लिख देता हूँ साई कॉलेज। इसमें बहुत अच्छी सुविधा है कि आप इसको ना बार बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट क्लिक किए, कॉपी किए, तो कोड जो हम उसमें कर रहे थे, क्या बोलते हैं, कंसोल पे जो कोड करते थे या टर्बो सी पे जो कोड करते थे, उसमें ऐसा फैसिलिटी थोड़ा सा दिक्कत होता है कॉपी पेस्ट वगैरह करने में। यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर से दोबारा जब मैं करूंगा, मैंने यहाँ पर कोड में चेंजेस किया है इसलिए वो रीबिल्ड करने के लिए बोल रहा है, दोबारा exe फाइल बिल्ड होगी। और आप नीचे यहाँ देखिए कंपाइलेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर डिबग के लिए भी ऑप्शन है और अलग अलग फाइल के कंपाइलेशन का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए फिर से कंपाइलेशन चालू हो गया है और ये देखिए ये आपका आउटपुट यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर दोबारा कंपाइलेशन हुआ। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि दोबारा फिर से कंपाइलेशन हो गया है। तो अब जब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरा आउटपुट आ रहा है साइन कॉलेज, साइन कॉलेज 4-5 बार लिखा मैंने। अब सेम जो अपने सी में लिखा था, तो हमने सी में जैसे लिखते हैं इंट आई, और मैं इसको लूप लिख देता हूँ, लूप आई इक्वल टू 0i <5 और आई प्लस, ऐसा हम सी में लिखते थे या सी प्लस प्लस में। लूप का सिंटेक्स तो सेम है, आपको पता है कि यहाँ पर आप देखिए मैंने एक लूप लिखा और 5 बार इसको चला दिया है, क्लियर है, 5-6 बार। अब मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा जब रन करूंगा तो फिर से कंपाइल करने के लिए बोलेगा, जितने बार आप एडिट करेंगे दोबारा कंपाइलेशन होगा। तो मैंने इसको रन किया तो देखिए 5 बार साई कॉलेज आ गया। तो आप सारे लूप्स, इवन आउट का प्रोग्राम, सब चीज यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर
इवन आउट का प्रोग्राम बनाकर आपको दिखा देता हूँ, क्लियर है। तो कोड बिल्कुल सेम है, बस रन करने के लिए जो इंटरफेस है, जो आईडी है, वो चेंज हो गई है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं लिख रहा हूँ एंटर, या सी इन कर लेते हैं, हम सी इन भी कर सकते हैं। सी इन करने के लिए हम यहाँ पर सेम वैसे ही कोड बिल्कुल सेम है, एज इंक्लूड अब इसमें अंतर आपको दिख रहा होगा कि सेम फाइल में यहाँ पर आप कंपाइलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वन एरर देखिए जनरेट हुआ है, और ये एरर जो है आई की वजह से आया है, क्लियर। तो एरर हम देख लेते हैं। अगला हम देखेंगे यहाँ पर कि हमको एक इवन आउट का प्रोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाते हैं देखिए। पहले मैं लिखूंगा सी आउट, सेम सी प्लस प्लस का कोड है, एंटर इन नंबर। आपको पता है कि अगर सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रीन का बस अंतर है, सी इन एन ऐसे ही करते हैं। उसके बाद हमने लगाते हैं इफ, और हम लिखते हैं एन मॉड टू इक्वल इक्वल जीरो, सेम कोड है। और यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए हमको कोड करने में हेल्प भी करता है ये, सी आउट इवन, और यहाँ पर हम एंड लगा देते हैं ताकि वो जो प्रेस एनी की जो आ रहा है वो नीचे लाइन पर आए, नहीं तो थोड़ा सा आउटपुट अटपटा टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर हम लिखे सी आउट, तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर हैंडल लगाया तो ये ऐसा विजुअल बेसिक में जैसा हमको टूल टिप में हैंड वो भी करता है, ये हेल्प भी करता है कि आगे क्या कोड हो सकता है। तो हैंडल यहाँ पर लगाने के बाद हम लोग सेमी कोलन लगा देते हैं, और फिर से मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा यहाँ से रन कर देते हैं, क्लियर। रन करने के बाद हम देखेंगे कि दोबारा कंपाइलेशन के लिए पूछेगा, कॉम्पेटिबिलिटी इशू है इसलिए बार बार हमें यहाँ पर दिख रहा है ये विजुअल स्टूडियो का जो कॉम्पेटिबिलिटी इशू है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 32 बिट और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हम 32 बिट के का जो एप्लीकेशन है वो डेवलप कर रहे हैं, इसलिए कॉम्पेटिबिलिटी इशू यहाँ पे डिस्प्ले करता है, उसके बाद भी ये कन्वर्ट कर देता है इसको। अब यहाँ पर रन करेंगे, नीचे देखिए जीरो एरर और जीरो वार्निंग, अब ये लिखा हुआ है एंटर ए नंबर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइव, आपको पता है फाइव लिखने से क्या आएगा, ये ऑड आएगा, निश्चित सी बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टर्बो नाम की कंपनी थी जिसने सी प्लस प्लस का एडिटर बनाया था, और उसका नीला स्क्रीन था और ब्लैक स्क्रीन था, और ये केवल 32 बिट के प्रोग्राम को ही डेवलप करता था, और उसमें कोई फॉन्ट नहीं होता था, करने की सुविधा नहीं थी इस तरीके से, व्यूज बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए व्यूज नहीं थे, वर्क स्पेस काफी कॉम्प्लेक्स था, उसमें कंपाइलेशन और डिबगिंग, फाइल व्यू और इसका एग्जीक्यूशन, कॉपी पेस्ट करने की सुविधा थोड़ा सा टफ था। माइक्रोसॉफ्ट ने भी सी प्लस प्लस का कंपाइलर बनाया, कोड बिल्कुल सेम है, केवल उसको लिखने के लिए जो एडिटर दिया गया है वो डिफरेंट है और थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली होने के साथ साथ यहाँ पर देखिए क्लास व्यू है, तो आप यहाँ पर जो भी क्लासेस बनाएंगे उनको ये डिवाइड करके दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया, क्लास ए, और देखिए यहाँ पर जैसे मैं क्लास ए बनाऊंगा तो देखिए क्लास ए में ये ऐसा बन जाएगा, ये क्लास व्यू में दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बनाया क्लास बी और उसको इनहेरिट कर लिया ए में, पब्लिक ए, तो आप देखिए यहाँ पर दो क्लासेस बन गई है, क्लास ए और क्लास बी। तो क्लास व्यू में क्या करते हैं कि क्लास को दिखाया जाता है, और यहाँ पर ये वॉइड मेन है। अब देखिए यहाँ पर क्लास बनाया, इसके अंदर मैं मेंबर्स बनाता हूँ, तो देखिए मैं सबसे पहले बनाता हूँ प्राइवेट, मैंने प्राइवेट लिखा, यहाँ पर लिखा पब्लिक, और यहाँ पर लिखा प्रोटेक्टेड, तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखा, और इसके अंदर मैं प्राइवेट के अंदर जानबूझ के बना रहा हूँ इंट ए बी सी, क्लियर। और पब्लिक के अंदर बनाया मैंने, देखिए यहाँ पर प्लस आ गया है, जैसे ही मैंने एबीसी बनाया तो
अब देखिए मैं आपको तीनों का अंतर दिखाना चाह रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का, इंट एक्स वाई जेड, अब और प्रोटेक्टेड में भी मैं लिख देता हूँ इंट पी क्यू आर, क्लियर। तो अब देखते हैं क्लास ए के अंदर ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जब क्लास ए पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये जो दिख रहा है ए बी सी, इसके आगे लॉक का साइन है। लॉक का मतलब होता है कि ये आपका लॉक्ड है, यानी कि प्राइवेट है, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसके बाद है पी क्यू आर, ये जो है प्रोटेक्टेड है, लॉक तो है बट इसकी चाबी आपको मिल सकती है, क्लियर। दूसरा एक्स वाई जेड जो है ये वाला, ये पब्लिक है। तो इस तरीके से क्लास व्यू जो है आपके क्लास के पूरे मेंबर्स को ऐसा डिस्प्ले करता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्लास व्यू। तो एग्जाम में कोडिंग तो नहीं आती है, अब ध्यान देना एग्जाम में कभी कोडिंग नहीं आएगा कि राइट ए प्रोग्रामिंग वी सी प्लस प्लस, या फिर कोडिंग आता भी है, एक छोटा सा कोडिंग कभी कभी आ जाता है कि इवन ऑड का प्रोग्राम बनाइए, इसी टाइप का आता है। तो आप देख रहे हैं कि कोड में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम सी प्लस प्लस का ही कोड है। और एग्जाम में कोड लिखते समय आपको वहां पर ये डायग्राम तो बनाना नहीं रहता है, सेम कोड लिखना है। तो कोड सी प्लस प्लस का है कि वी सी प्लस प्लस का है ये पता नहीं चलता है। अंतर क्या है, ये क्लास व्यू जो सी प्लस प्लस में टर्बो में नहीं है, फाइल व्यू टर्बो में नहीं है, ये एम एफ सी प्रोजेक्ट जो टर्बो में नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन जो है गिने चुने यही आते हैं एग्जाम में, क्लियर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ये फंक्शंस मेंबर्स बनाए हैं, इनको अलग अलग आइकन से भी दिखाया जाता है, प्लस एक डेटा मेंबर बनाया। अब मैं एक मेंबर फंक्शन बना देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर एक मेंबर फंक्शन बनाता हूँ void show। देखिए मेंबर फंक्शन कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ए के अंदर void show पब्लिक मेंबर फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक मेंबर फंक्शन बनाता हूँ प्राइवेट के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ void display। अब लेफ्ट में देख रहे हैं यहाँ पर चेंजेस आते जा रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर देखते रहिए अब साथ साथ में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये शो जो है पब्लिक फंक्शन है, डिस्प्ले जो है वो प्राइवेट फंक्शन है, प्लस प्रोटेक्टेड फंक्शन भी बनाने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ void print, प्रिंट के लिए शॉर्ट कट में लिख दिया मैंने void print। तो आप देख रहे हैं कि देखिए फंक्शन इसके आगे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को आइकन्स के द्वारा दिखाया जाता है। कुल मिला के GUI टाइप का इंटरफेस यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्लास व्यू है, क्लास के अंदर क्या क्या मेंबर्स हैं, कौन कौन से प्राइवेट हैं, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर इन लाइन फंक्शन बना देता हूँ, तो ये आपका ये इन लाइन फंक्शन हो गया। इस प्रकार से आप ब्लू कलर देख रहे हैं वो एक कीवर्ड को दिखा रहा है, वर्चुअल फंक्शन हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप फंक्शंस को बना सकते हैं। और मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि क्लास व्यू क्या दिखाता है, क्योंकि एग्जाम में क्लास व्यू का क्वेश्चन आता है, उन पांच छह गिने चुने क्वेश्चन में से क्लास व्यू वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन क्लास व्यू। तो क्लास व्यू में जो हम क्लास बनाते हैं उनके मेंबर्स को, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को विद उनके विजिबिलिटी कंट्रोल के साथ, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिफरेंट डिफरेंट आइकन में सीक्वेंस वाइज दिखाया जाता है। और आप किसी भी इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं एक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहां पे कर्सर को ले जाएगा ये, जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ, मैं डिस्प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए डिस्प्ले पर आपको जंप करा, मतलब आपका कोड बहुत लंबा है, मान लीजिए आप बहुत यहाँ पर हैं और आपको शो पे जाना है, तो आप यहाँ पर शो पे क्लिक करिए और ये शो पे आपको जंप कर देगा, क्लियर। तो कोड अगर मान लीजिए बहुत बड़ा है, 2000 लाइन 4000 लाइन का कोड है, तो काफी आसानी से आप यहाँ पर जंप कर सकते हैं क्लास के मेंबर्स को। तो क्लास पे जाने के लिए किसी भी मेन पे जाना है मान लो हमको, तो सीधा मेन पे ही पहुंचा देगा। देखो दूसरा है फाइल व्यू। आप देखेंगे कि जब भी आप बनाएंगे तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फाइल्स बनती है, जैसे ये सोर्स फाइल है प्रोग्राम वन, ये हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल है, तो ये फाइल व्यू जो है आपका फाइल्स के स्ट्रक्चर को दिखाता है। ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने मिलेगा, आप जब अपनी प्रोग्राम फाइल्स को जहां पर आपने सेव किया है वहां देख सकते हैं। तो मैंने इसको सेव करके रखा है हैव ड्राइव में,
एप ड्राइव में आप देखेंगे VCPP, इसके अंदर प्रोग्राम वन नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ, ठीक है, और इसके अंदर ये सब फाइल्स हैं डिबगिंग के लिए। ये आपका exe फाइल जनरेट हुआ है, ये देखो यहाँ पर आउटपुट दे रहा है, मैं 4 दे रहा हूँ, ये आपका आउटपुट देखिए बंद हो गया, क्लियर है। ये था VC++ का एग्जीक्यूशन, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।